हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री काफी इजी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अपेक्षा, तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार रीड करके जाओ, क्योंकि इसमें से अधिकांश है वो थ्योरी टाइप से क्वेश्चन ज्यादा है और इक्वेशन वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी इक्वेशन है। तो कोशिश करें कि सारे इक्वेशन और थ्योरी आप पढ़ के जाओ। इसमें जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी टाइप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताती हूँ। सबसे पहला है, शून्य कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मेंट बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन गाइस पिछले 5 सालों में 3 बार जो है वो पूछा जा चुका है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड है, अभिक्रिया दर का संघटन सिद्धांत, एक्सप्लेन द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। संक्रमण अवस्था सिद्धांत बताइए, एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो गाइस, जितने भी थ्योरी टाइप से क्वेश्चन है, मीन सिद्धांत वाले क्वेश्चन है, उसकी तैयारी आप जरूर करें, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो संक्रमण अवस्था सिद्धांत, तो सिद्धांत वाले क्वेश्चन की तैयारी आप जरूर करें। उसके बाद है चौथा, आर्हिनिय समीकरण क्या है, इसका महत्व बताइए। ये गाइस लास्ट यूनिट का सारे क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्हिनियस इक्वेशन। तो ये जो आर्हिनियस इक्वेशन है वो भी काफी पूछे गए गाइस, और फिजिकल केमिस्ट्री में इक्वेशन काफी आते हैं और इजी इक्वेशन भी है फिजिकल केमिस्ट्री का। पांचवा है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज कैटलिस्ट राइट ईस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उत्प्रेरक भी काफी पूछे जाते हैं। छठवा नंबर में है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें जो भी इक्वेशन है उसे अच्छे से देखेगा, इसका इम्पोर्टेंस देखेगा, क्योंकि या तो फर्स्ट कोटि अभिक्रिया आ सकता है या तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आ सकता है। एग्जाम में दोनों में से कोई ना कोई आता है, ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है गाइस, फर्स्ट कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट सेकेंड और जीरो, तीनों रिएक्शन का जो भी इक्वेशन है उसे अच्छे से आप रीड करके जाइए। टिप्पणी लिखो में आता है, इस यूनिट से विस्मांगी उत्प्रेरण क्या है, हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरक वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो भी टाइप्स वगैरह है सारी चीजों को आप देख के जाइए। छद्म कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, अर्ध आयुकाल विधि, हाफ लाइफ मेथड भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ब्रैग समीकरण लिखिए, राइट ब्रैग इक्वेशन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 9वां नंबर में, क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए ब्रैग समीकरण का 2d साइन थीटा इक्वल n लैम्डा को व्युत्पन्न कीजिए गाइस। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो काफी पूछा गया है ब्रैग समीकरण के लिए, क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए, तो इसे आप लोग जरूर देख के जाइएगा। देन आगे टिप्पणी लिखो, तो ये जो क्वेश्चन है गाइस 1 नंबर 2 नंबर के लिए जो है वो छोटे छोटे टॉपिक है बहुत सारे आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ये जितने भी आप लोगों के छोटे छोटे टॉपिक है वो सबको एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि इतने इजी है कि आप लोग एक बार इसे पढ़ोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों को 7-8 MP जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट फिर भी आपके बुक में जितने हैं उसे पढ़ के जाने की कोशिश कीजिएगा। पहला है 7 खंड सेल, 7 सेगमेंट सेल क्या है, स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, पाउडर विधि, पाउडर मेथड, सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट, त्रिविम जालक, स्पेस लैटिस, पायस, इमल्सन, जेल, थर्मोग्राफी। ये सारे क्वेश्चन की तैयारी आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है गाइस। उसके बाद 11वां नंबर में है, द्रव क्रिस्टल क्या है, संरचना एवं उपयोग। लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड यूज। लिक्विड क्रिस्टल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है काफी मतलब 5-6 पेज का है आप लोगों का, वो सारे चीजों को आप लोग एक बार देख के जरूर जाइए लिक्विड क्रिस्टल क्या है। उसके बाद है हार्डी सुल्ज नियम क्या है, हार्डी सुल्ज लॉ किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 13वां नंबर में है, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड्स में जो है वो आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये कोलाइड्स को भी आप जरूर देखिए, कितने टाइप्स के कोलाइड्स है सारे में जो है वो डिफरेंस बिटवीन। 14वां नंबर में है, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल की संरचना एवं गुण, राइट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 15वां नंबर में वंडरवॉल समीकरण गाइस, वंडरवॉल समीकरण बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। वंडरवॉल समीकरण से रिलेटेड जो जो आप लोगों को इक्वेशन है सारे चीजों को आप लोग देख के जाइए। उसके बाद है मैक्सवेल वितरण नियम के द्वारा आणविक वेगों के वितरण पर ताप के प्रभाव को समझाइए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी आप जरूर पढ़ के जाइए। टिप्पणी लिखो में आता है माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं, लिंडे विधि, लिंडे मेथड, स्कंदन एवं पेप्टीकरण,
कोगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन, क्लॉड मेथड, संगठन आवृत्ति एवं संगठन संख्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड कोलिजन नंबर। उसके बाद गाइस गैस लॉ, गैस लॉ में आप लोगों के 5-6 लॉ है, सारे लॉ को आप देख के एक बार जरूर जाइए, बहुत ही इजी लॉ है। हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोलाइड्स है। तो गाइस ये सारे थ्योरी टाइप से क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री के, बट आप लोगों के यूनिट 1 में कंप्यूटर एंड जो मैथ्स वाला टॉपिक है उसमें से मैं कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं बताई हूँ, क्योंकि उसमें से कोई भी मैथ्स या इक्वेशन वगैरह जो भी है वो आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल थ्योरी के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताई हूँ गाइस। इक्वेशन और जो भी न्यूमेरिकल्स है उसे आप लोग देख के जरूर जाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में IMP में नहीं बता सकती, क्योंकि उसमें से कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। तो इसके लिए आप लोग ये कीजिए, आपके पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो सारे न्यूमेरिकल को एटलीस्ट एक बार आप प्रैक्टिस करके जाइए। आई होप यू आज का टॉपिक आप लोगों को, आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।